हेलो इन्वेस्टर, वेलकम टू स्विंग ट्रेडिंग। तो दोस्तों, यहाँ पर एक के बाद एक आईपीओ आने की शुरुआत यहाँ पर वापस से हो चुकी है। जिस तरीके से बीच में कुछ समय पहले, एक वीक पहले आप कह सकते हैं, एक के बाद एक बढ़िया से बढ़िया आईपीओ आया था। अच्छा खासा लिस्टिंग गेन उन्होंने यहाँ पर निकाल करके अपने इन्वेस्टर को दिया था। तो एक बार फिर से वही पोजिशन बनती आ रही है, एक के बाद एक आईपीओ आते जा रहे हैं और LIC का आईपीओ भी आने वाला है यहाँ पर उसके साथ ही। अभी आप देखेंगे तो एक रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का भी यहाँ पर 27 तारीख को आईपीओ आ रहा है। इसके साथ साथ में दोस्तों एक और आईपीओ आ रहा है, उसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, जिसका नाम है कैंपस एक्टिव वेयर शूज़ कंपनी। उसका भी मैंने वीडियो बनाया, आप अपने जाकर के चैनल पर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेनबो हॉस्पिटल चिल्ड्रंस केयर हॉस्पिटल्स के बारे में। इसका आईपीओ आ रहा है तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डालेंगे और आपको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। GMP अभी कितना चल रहा है, लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं, आपके पैसे को डबल करेगा कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे पॉइंट पर बात करने, तो वीडियो पर लास्ट तक बनाना। वीडियो चल कर तो लाइक तो जरूर से बनता है। सबसे पहले हम देखेंगे कंपनी कामकाज क्या करती है। तो यहाँ पर देख लीजिए कितना बड़ा आईपीओ, 200 करोड़ रुपए का आईपीओ यहाँ पर आ रहा है। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही मल्टीबैगर आईपीओ रहने वाला है। कहीं ना कहीं आपके पैसे को काफ़ी अच्छा ये बना करके जाने वाला है। वहीं इसकी न्यूज़ देखेंगे तो देख लीजिए, मल्टी स्पेशलिटी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल चैन रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर, ये हॉस्पिटल चैन है दोस्तों, इसके काफ़ी सारे यहाँ पर आप देखेंगे हॉस्पिटल्स हैं। वहीं पर 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले हफ्ते बुधवार को 27 अप्रैल को खुलेगा। ये आईपीओ 3 दिनों तक खुला रहेगा। निवेशकों को 29 अप्रैल तक इसमें सब्सक्राइब कर सकेंगे। बाजार नियामक सेबी के पास दाखिल रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के मुताबिक एंकर निवेशकों के लिए इशू 1 दिन पहले 26 अप्रैल को खुलेगा। इशू के तहत मौजूदा शेयर होल्डरों को भी अपने शेयरों की बिक्री करने का मौका मिलेगा। आईपीओ की सफलता के बाद शेयरों की लिस्टिंग BSE और NSE दोनों पर की जाएगी। वहीं पर कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज़ आप देख लीजिए, उसके बाद ही आपको किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आईपीओ उसको इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। कम से कम उसके फंडामेंटल एनालिसिस आपको जरूर करना चाहिए कि कंपनी कामकाज क्या करती है और भविष्य में इसकी डिमांड कितनी रहने वाली है। तो देखेंगे रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर का 2000 करोड़ रुपए का आईपीओ अगले 27-29 अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन के खुला रहेगा। निवेशकों को 26 अप्रैल तक मिलेगा। इस आईपीओ के तहत 280 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे, जबकि मौजूदा शेयर धारक ऑफर फॉर सेल के तहत 2.4 करोड़ शेयरों की बिक्री करेंगे। OFS के तहत प्रमोटर्स रमेश कंचरला, दिनेश कुमार चिल्ला और आदर्श करचल्ला, प्रमोटर्स ग्रुप MT पद्म कंचरला और निवेशक ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट PLC और CDC इंडिया शेयरों की बिक्री कर सकेंगे। तो यहाँ पर प्रमोटर्स जो हैं वो भी अपने शेयरों को यहाँ पर बिक्री करने वाले हैं। तो ये भी एक पॉइंट है यहाँ पर। इसके साथ इशू के तहत 3 लाख शेयरों के एलिजिबल कर्मियों के लिए आरक्षित किया जाएगा, बरोबर। और इसके साथ में इश्यू के लिए कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, JP Morgan इंडिया और IRL सिक्योरिटीज बुक रनिंग लीड मैनेजर्स हैं। नए शेयरों को जारी किए गए पैसों का इस्तेमाल नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के समय से पहले और अस्पतालों में जो नए साधन सामग्री खरीदी जाती है, मेडिकल औजार खरीदे जाते हैं, उनके लिए यहाँ पर किया जाएगा। तो आगे कंपनी की डिटेल्स और नज़र डालेंगे आप तो ब्रिटेन की डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन CDC ग्रुप PLC की रेनबो ने भारत में सबसे पहले हैदराबाद में 1999 में 50 विस्तारों का पीडियाट्रिक स्पेशल हॉस्पिटल शुरू किया था। अभी की बात करें तो 20 दिसंबर 2021 तक उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक रेनबो ने देश के 6 शहरों में 14 अस्पताल और 3 क्लिनिक हैं। यह 1500 बेड ऑपरेट करती है। बच्चों से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं और गर्भवती महिलाओं से जुड़ी दिक्कतों के लिए और फर्टिलिटी केयर जैसी सर्विसेज प्रदान करती है। तो इसका जो काम है मुख्य रूप से आप कह सकते हैं चिल्ड्रंस और लेडीज से संबंधित है, पीडियाट्रिक से रिलेटेड है और जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनके लिए फर्टिलिटी से केयर से संबंधित इसका काम काज है। तो बहुत ही अच्छा काम काज है, भविष्य में इसकी डिमांड बहुत रहने वाली है। तो आप कह सकते हैं कि एक अच्छा आईपीओ आपको इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर मिल रहा है। वहीं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स पर नज़र डाल लेते, उसके बाद में आपको बताऊँगा अभी इसका लेटेस्ट GMP क्या चल रहा है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे, 27 अप्रैल को ये ओपन होने वाला है, 29 को क्लोज हो जाएगा, ठीक है। 1595 करोड़ का आईपीओ का साइज, इसमें से फ्रेश इशू 280 करोड़ रुपए का। ऑफर ऑफ सेल देखेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं फेस वैल्यू 10 रुपये पर इक्विटी शेयर से, और जो इसका प्राइस बैंड जो यहाँ पर रखा गया है वो आप देख सकते हैं 516 से 542। तो अगर आप चाहते हैं कि आप आईपीओ में अप्लाई करें और आपको मिल जाए अलॉटमेंट, तो आपको हमेशा ये कट ऑफ वाला प्राइस जो है 542 वाला, इसी पर आपको अप्लाई करना। तो चांसेस बनते हैं आपको आईपीओ मिलने के, ये दोनों जगह लिस्ट होगा। वहीं रिटेलर्स का जो कोटा यानी आपका कोटा 35% है, QIB कोटा 50% है, वहीं NI कोटा 15% है। तो इसका जो रिटेलर कोटा रखा गया काफ़ी ठीक ठाक मुझे लगा। वहीं पर एक लोट अगर आप अप्लाई करते हैं एक लोट, तो इसके लिए आपको पे करने को 14,634 रुपये। उसमें आपको शेयर 27 शेयर मिलने वाले हैं। मैक्सिमम आप 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 351 शेयर्स की संख्या होगी, जिसके लिए आपको 1,90,242 रुपये
पे करने होंगे। इसके साथ ही कुछ और भी इंपॉर्टेंट डेट्स आप देखेंगे, प्राइस बैंड अनाउंसमेंट 22 तारीख को हुआ है, एंकर इन्वेस्टर अलॉटमेंट 26 तारीख को होगा और आईपीओ 27 तारीख को रिटेलर्स के लिए ओपन होगा, 29 को क्लोज होगा, यानी 3 दिन ओपन रहने वाला है। और इसकी बेसिस अलॉटमेंट अगर आप इसमें अप्लाई कर देते हैं तो इसका अलॉटमेंट आपको कब होगा दोस्तों, हमेशा सवाल पूछा जाता है, तो ये 5 तारीख को होगा। अगर आपको मिल गया ये तो ठीक है, नहीं तो आपका रिफंड 6 तारीख को आ जाता है, और अगर आपको मिल गया तो आपके डीमैट अकाउंट में इसके शेयर जो है 9 तारीख को क्रेडिट किए जाएंगे और 10 मई को फाइनली ये आईपीओ की लिस्टिंग डेट देख सकते हैं आप। वहीं कंपनी के फाइनेंशियल पर आप नज़र डालें तो 2019 से लेकर 2021 तक का यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा। रेवेन्यू अगर इसका देखेंगे तो लगातार बढ़ रहा है, 2019 में 591 करोड़ था, 2020 में 730 हो गया, 2021 में थोड़ा सा कम हुआ है 660 करोड़। वहीं इसके एक्सपेंस देखेंगे तो यहाँ पर भी लगातार आपको बढ़ते हुए दिखेंगे, और पैट पर नज़र डालेंगे तो भी आपको लगातार ये बढ़ता हुआ दिखेगा। तो एक आप कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया आईपीओ आपको मिल रहा है। अब यहाँ पर जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है उसकी बात कर लेते हैं दोस्तों, इसकी डेट जो है 22 तारीख को आज इसका अनाउंसमेंट हुआ है, और आज इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आप देखेंगे, देख लीजिए प्राइस 542 रुपये रखा गया, 10% लिस्टिंग गेन आपको देखने के लिए मिल रहा है, और 50 रुपये के आसपास ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो ये 27 शेयर का लोट है यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, तो 27/50 आप कर देते हैं तो कितना होगा, तो यहाँ पर 27/50 अगर आप करते हैं दोस्तों तो 1300 या 1400 रुपये के आसपास, 1350 रुपये से यहाँ पर 1400 रुपये के आसपास अगर आप अप्लाई करते हैं एक लोट के लिए, तो आपको यहाँ से प्रॉफिट दिखा रहा है एक लोट पर। बाकी आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिखाएगा। अगर आप एक लोट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ से कह सकते हैं मिनिमम 1500 रुपये का प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए आपने अप्लाई किया, तो आपको यहाँ से समझ लीजिए जो 10% दिखा रहा है, कम से कम 20% आपको जाता हुआ दिखाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ इसका अनाउंसमेंट हुआ है। जब ये आईपीओ ओपन होगा और जब ये कितना सब्सक्राइब होता है, और मेरी राय है कि ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, तो जब ये ओवर सब्सक्राइब हो जाएगा तो लिस्टिंग गेन जो 10% है 20% से 30% के आसपास आपको जाता हुआ दिखाई देगा। बाकी डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, मार्केट गिरता है कि उठता है। अगर मार्केट उठता है तो लिस्टिंग गेन बढ़ता जाएगा, लेकिन अगर मार्केट गिरता है तो फिर ये 10% के आसपास ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एक बात तो क्लियर है, यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन ये दे करके जाने वाला है, आपको लॉस तो नहीं कराएगा दोस्तों ये। तो अगर आप इससे इंटरेस्टेड हैं तो इस पर नज़र बना करके रखिए, और इससे लेटेस्ट कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो हमारा वीडियो आपके लिए बन करके तैयार है, आ जाएगा। तो आप अगले चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी आईपीओ से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ हमारे वीडियो पर आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी दोस्तों।